अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं हूं मोहम्मद सुहेल। और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है रोहित शर्मा 264 रन्स। तो देखते हैं जो उन्होंने बनाए थे। अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। श्रीलंका था। श्रीलंका के साथ अच्छा बॉलर था मैथ्यू इरंगा। मैथ्यू अप्रैरा बहुत अच्छा बॉलर था, लेकिन आज तो हाथी भी बुरे हाथों में चढ़ गया। ऐसे क्या रात है साथ से चौके। ओहो आए, सोचते होंगे कि कहाँ फंस गए। ये बहुत खतरनाक बॉलर था। मैंने से चीता था, चीता चीते कोई मारा है। विराट कोहली ये हो, ये वो छक्का देखा भी नहीं। सेंचुरी, क्या बात। अच्छा देखो रायना यार क्या है, एक बार ना खेल रहे ये लो चौका छक्का। तेरी छक्का है भाई पर सैना बड़ा छक्का मारा है। ये लो मेंडेस ओए भाई साहब, ओए बहुत बंदा आया था यार। ये छक्का है, ये है छक्का। सात विराट के भी 132 हो गए हैं। ये लो, ये है शॉट। ये लो 32 ओवर हो गए भाई, 151 स्कोर है यार, क्या मार रहे हैं। ये ओए 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 यार सिक्स थे। यार समझ कुछ नहीं रहा, जैसे भी नहीं समझते बॉलर। 166 294 ये लो ओ वही है आपका दोस्त ना। ए चौका आई लो यार, इनका तो मजाक बना के रखा। ओहो ये नहीं नहीं वेट नहीं, बीच में आइए बीच में।
197 डबल सेंचुरी यार, डबल सेंचुरी हो गई तेरी यार। 330 अभी 5 ओवर रहते हैं, 5 ओवर भी रहते हैं यार, यार 5 ओवर रहते हैं भाई। वो थापा हाँ, क्या बात है, यंग मैन हिटमैन, यंग मैन ये यार। ओ तेरी प्रेशर था वो भी बोल रहे क्या हो गया, कह थका लेते, चलो एक और मौका दे दिया। ओ यार, ये तो जैसे हाइलाइट्स देख रहे हैं। लास्ट 5 ओवर रहते थे, नो बॉल, छक्का, फिर छक्का। ओ तेरी यार, ये ओ छोड़ दिया और चौका। ओ यार, ओ यार, सही बात है थोड़ा ये तीन ओवर, किन कर्मों की सजा मिली थी इन बेचारों को। ये ये भी लो, ओ क्या छक्का लगाया, ये तो कमाल का था, ये ले क्या बात है, क्या बात है बोनस की, एक बार आएंगे यार, बनता है भाई। 550 हो गई, क्या कमाल के बैट में। ओह फिर छका, 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 लॉरी ये लो यार, लास्ट बॉल पे 404 रन बनाए यार, आउट हो गए थे। खैर है बॉल पे यार, क्या तो है, यकीन माने कमाल कर दिया एक बार तो। श्रीलंका के पहले भी धुएं निकले हैं, लेकिन ये थोड़े से बहुत गलत वाले निकले हैं, जैसा देखा आपने कि उन्होंने कोई बॉलर कोई किसी को कुछ समझे नहीं भाई, इधर से आती है, इधर जा रही है, और जहाँ भी है आती गई जाती गई। जैसे नहीं हम अक्सर अब देखते हैं ना, मैच ख़त्म हो जाता है तो बाद में हाईलाइट्स देखते हैं यार, किस प्लेयर ने कितने छक्के चौके मारे या कैसे वो खेल रहा था, लेकिन उन्होंने भी मैच को हाइलाइट्स बना दिया था, इतने ज़्यादा छक्के लेकर एंड था पूरी। हाँ, खेलना 4 ओवर और एक रिपीट जो है ना, वो मतलब स्पीड के साथ है। हाँ बिल्कुल, और रन भी काफ़ी ज़्यादा बना दिए हैं, 264 एक रिकॉर्ड है उनका, देखा जाए ना ऐसा रिकॉर्ड टूटना बहुत मुश्किल है। और एक धोया वो तो एक जो भी बॉलर आता था जिसकी जितनी स्पीड थी, स्पिनर था, फास्ट था, जो भी था, उसको बॉटरी से बाहर ही गया। बाकी भाई काफ़ी एक एक हैरानगी वाली बात है, यकीन करें जितने भी हमने बैट्समैन देखे हैं ना, एक बनाए हैं 300 भी बनाए हैं, लेकिन ये जो एक स्कोर बने हैं ना एक स्पीड के साथ है, एक होता है प्रेशर, एक टुक टुक, एक सिंगलों डबलों के साथ ऐसी चीज़ें होती है, लेकिन भाई रोहित शर्मा ने एक दिखाया कि कैसे बने हैं स्कोर कैसे, और कैसे बनाए जाते हैं 200+ है। एक ऊपर से 50 फिर मार, देख लो ना कि यार ये उनका स्टार्टिंग टाइम था, स्टार्टिंग नहीं भाई, 125 मैच खेल रहे थे।
ये 125 हुआ था। हाँ जी, और देखे यंग मैन यहाँ से बने होंगे हिटमैन, जो नाम उनका रखा गया है ना, यहाँ से ही उनका नाम रखा गया था। मैं कह रहा हूँ कचूमर निकाल, कचूमर बाकी भाई एक कचूमर निकालने वाली बात है। लेकिन यार मैच देखने का मकसद भी ये था कि एक परफॉर्मेंस भी अच्छी है, लेकिन कुछ प्लेयर भी देख लिए यादें ताजे हो रही है। मैला जयवर्धना, संगेकारा जो था वो मतलब बहुत बॉलर था यार, ये इंडिया का जो बॉलिंग भी कराता था ना, पता नहीं मैं नहीं कराता था, मुझे शक है कराता था, ऑलराउंडर था भाई, बॉलिंग भी करवाते थे लेकिन बैटिंग भी अच्छी करते थे, और साथ में विराट भी थे, उन्होंने भी काफी रन बना दिए थे। मतलब ये कि उन्होंने 400 प्लस ही बना दिए थे, क्योंकि इनिंग एक ऐसी दी है उन्होंने कमाल कर थे भाई। एक इस सिचुएशन में सब एक मतलब थे, एक टेंडुलकर तो नहीं मुझे लगता थे, वो नहीं थे, लेकिन दूसरे थे भाई, एक रैना भी थे और लेकिन यार देख लो जो मतलब श्रीलंका की बॉलिंग इस टाइम के ऊपर काफी मजबूत बॉलिंग की आप अगर बात करें तो ये बस ये अजीब सी एक बॉलर था है। और डरते थे एक मुरलीधरन जो है ना, उसके बाद इसने एंट्री ली थी, उसके बाद हाँ ये एक बहुत अच्छा बॉलर जो है ना वो समझा जाता था। लेकिन ये कि यहाँ पे तो उसकी कुछ भी नहीं चली, और देख लो कि एक ही उन्होंने स्पीड रखी है भाई, वनडे में 264 स्कोर बनाना कोई थोड़ा काम नहीं बहुत है, मुश्किल काम है, और वो भी श्रीलंका के खिलाफ ऐसे ही होती है ना, छोटी टीम में बंदा उनको पेल पूल कर बना लेता है। लेकिन जो इनकी एक बॉलिंग लाइन थी ना वो शुरू से अभी कुछ एक कम है, लेकिन उस दौर में भाई इनकी बहुत स्ट्रांग बॉलिंग थी बहुत। आप जितनी एक बैटिंग पर आए भाई, वो जसूरिया आते आते वो बंदा को समझते ही कुछ नहीं था, कुछ यकीन करे चाम ऐसे उधेड़ लेता था हर बंदे का, खलड़ी ऊपर ऊपर ऐसे मांस उतार देते। लेकिन आज उनका भी भाई एक श्रीलंका की भी लंका तबाह हो गई है, एक 264 रन वो भी एक अकेले भाई रोहित शर्मा के थे। यार ये कोई छोटी बात नहीं होती, पहले आप तो एक 50 करते हैं, फिर सेंचुरी, फिर 50, फिर सेंचुरी, डबल सेंचुरी, डबल सेंचुरी, और फिर उसके बाद यार ओवर ना खत्म होते तो उन्होंने 300 भी बना जाना, नहीं आउट हो गया था लास्ट बॉल, फिर लास्ट बॉल थी उन्होंने वो मार। अच्छा जो भी है ना, जब प्लेयर का ऐसे बल्ला एक चल जाता है ना, उसको फिर रोकना मुश्किल हो जाता है, चाहे जितना भी बॉलिंग अटैक आप लगा सकते हैं लेकिन उनको काफी मुश्किल हो जाता है। बॉलर जो होता है ना उसके हाथ पांव जो है ना वो एक किस्म के ना काबू काबू में नहीं रहता, मतलब वो एक पजल हो जाता है कि मैं बॉल कराऊं, क्योंकि कोई भी बॉलर है ना उसके पास दो या तीन ट्रिक है बस, दो जो अपने वो लगाता है, एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, जब उसके सारे फेल हो जाने ना फिर उसने जो है ना वो बोंदल जाना क्या मेरे साथ होगा क्या है। अच्छा यार हमने यहाँ भी देखा, लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसे कोई नहीं खेला, मतलब लगातार ऐसे फास्ट खेलना, इधर से चौका इधर से छक्का, खेले हैं कहीं ने बनाया कोई याद नहीं, यूनुस खान ने बनाए थे जो ना, लेकिन वो टेस्ट में मुझे लगता बनाता उतारा, बाकी कोई एक एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस जिसको आप कह सकते हैं ना कि वो नहीं, ठीक है कोई स्टार में कोई सईद अनवर या इस तरह के थे जो कि हमें तो खैर नहीं उनका पता कि वो किस तरह, हमें अब तो हमें ये कुछ 5-7 साल से हम इंटरेस्ट ज्यादा हमें लिया है मैच देखे हैं, वो भी बड़े बड़े इवेंट, वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप, ये सीरीज तो T20 का सीरीज मैंने यकीन करें आज तक नहीं देखी, लेकिन ये प्लेयर वाकई लीजेंड थे, इनके शुरू से ही नाम सुन रहे थे हर एक दौर में क्रिकेट जिस जो भी खेली है ना, तब भी मैच भी टफ होते थे, वन साइडेड तब मैच नहीं होते थे, आपको हर मैच में इंटरेस्ट होता था, हर बिल्कुल भाई एक ना बहुत धोया है, एक सही साफ सुथरा, बाकी अच्छी वीडियो थी, अच्छे चौके छक्के गए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।